क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मुस्तकबिल में यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉमिसेस किए गए हैं, जो कुछ भी यहाँ पर मुस्तकबिल का एक मंसूबा बतलाया गया है, उसके ऊपर कहाँ तक अमल आवरी हो सकेगी। तीसरी चीज ये कि अब जो पॉलिसी हमारे सामने है, उस पॉलिसी के अंदर एक तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अच्छी चीज है। इसके ऊपर अभी इनॉगरल वर्ड्स के अंदर आपके सामने बात आई है, एक साइंस का स्टूडेंट वो अपनी साइंस की स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हुए भी आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकेगा। इसी तरीके से आर्ट्स का एक स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए साइंस का कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट लेना चाहेगा तो उसे इस बात का ऑप्शन मिलेगा। ये हमारा मानना है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। ऑलराउंड पर्सनालिटी के बनने के लिए इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर कोई इंसान मास्टर इन वन सब्जेक्ट बने, वहीं पर कम से कम वो बेसिक नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट की हासिल कर सके। वरना आमतौर पर हमारे पास हमारी सोसाइटी में देखने में आता है कि लोग अपनी फील्ड के तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन दूसरी फील्ड के बारे में उनकी बेसिक नॉलेज भी नहीं हुआ करती। ये मतलूब चीज़ नहीं है। सोसाइटी के अंदर मास्टर ऑफ वन और फिर उसके साथ साथ जैक ऑफ ऑल, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो ये चीज़ अच्छी है। मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल भी हमको नहीं चाहिए, और ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो मास्टर ऑफ वन है लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं रखते। मास्टर ऑफ वन चाहिए और फिर उसके साथ साथ दूसरे चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज कम से कम रखने वाले अफराद चाहिए। लाइफ स्किल्स को डेवलप करने की बात भी इस पॉलिसी के अंदर मिलती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एथिक्स की तरफ तवज्जो देने की बात कही गई है, ये भी अच्छी चीज़ है। और फिर उसके साथ साथ क्रिएटिविटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की बात कही गई है। ये गवर्नमेंट जिसके बारे में अब तक उसका रवैया बतलाता है कि ये एक नैरो माइंडेड किस्म की सोच रखने वाली गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अगर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात करती है तो हमारी नज़र में ये अच्छा है, लेकिन अंदेशा है कि ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा, ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। फिर चौथी चीज़ जो इस सिलसिले में मैं रखना चाहूँगा वो ये कि हुकूमत ने इस मौके पर जो बात हमारे सामने रखी है उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट की अहमियत को कम करने की कोशिश की गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को अगर कम करने का काम होगा तो उसका फितरी नतीजा यह होगा कि जो एजुकेशन बच्चों को कंपलसरी देने की बात कही गई थी उससे डिविएट होने की एक अमलन कोशिश है। पिछली गवर्नमेंट ने ये बात बतलाई थी कि 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना लाजमी होगा। इस सिलसिले में तब्दीली करते हुए इस पॉलिसी के अंदर ये बात बतलाई गई है कि बजाय 6 to 14 ईयर्स के 3 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, गोया नर्सरी से लेकर 12th लेवल तक, यहाँ तक की एजुकेशन के सिलसिले में बात बतलाई गई है। लेकिन साथ ही साथ ये बात बताई गई है कि यहाँ पर लाजमी नहीं होगा बल्कि कोशिश की जाएगी। जिस वक्त लाजिम था उस वक्त तक का इम्प्लीमेंटेशन हम देखें तो वो ख़ुद भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और अब इसको लाजमी से निकाल कर सिर्फ कोशिश करने की हद तक महदूद करने की बात होगी तो फितरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो और कम होगी। टारगेट ये लिया गया है कि 2030 तक तमाम बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाया जाएगा। गोया 10 साल का टारगेट इन्होंने लिया है कि अगले 10 साल के बाद हम इस पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे स्कूल को जाने लगें। फिर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात इस वक्त कही गई है और वो ये कि मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन होगी। आमतौर पर माहिरीन नफ्सियात का ये मानना है कि मदर टंग में अगर प्राइमरी एजुकेशन होगी तो उसके नतीजे में बच्चे कॉन्सेप्ट को सही तौर पर समझ पाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर इसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन क्या ये इस मुल्क के अंदर मुमकिन है?
इस मुल्क में इस वक्त तक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ख़ास तौर पर अगर हम स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो वो बड़ी तादाद में इंग्लिश मीडियम ही के हैं, और ज़ाहरी बात है इंग्लिश यहाँ पर मदर टंग की हैसियत नहीं रखती इस कंट्री के अंदर। तो अगर आप इस बात का ऐलान करते हैं कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर इंग्लिश मीडियम के बजाय उर्दू मीडियम या तेलुगु मीडियम या हिंदी मीडियम, इस किस्म के किसी और मीडियम को आप लाने की कोशिश करेंगे, और उससे इस बात का मज़ीद अंदेशा ये पैदा हो जाएगा कि वो स्टैंडर्ड जो कम से कम वो स्कूल्स दे पा रहे हैं वो स्टैंडर्ड भी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, इस बात का अंदेशा है। फिर इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी हमारे सामने है इसमें एक बात बतलाई गई है कि करिकुलम को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। करिकुलम को रिड्यूस करके उसमें गैर अहम चीज़ों को कम करें और अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें, ये तो यकीनन अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अंदेशा है कि जो कमी की जाएगी उस कमी के अंदर सेकुलर वैल्यूज़ को निकाल दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक इस मुल्क की जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को कम करने की कोशिश की जाएगी। मजमूई तौर पर इस वक्त पॉलिसी के अंदर इस बात की कोशिश की गई है कि जहां पर भी तذکرہ हो वो भारत की तारीख, भारत का कल्चर, भारत की रिवायात, भारत का तमद्दुन, इस किस्म का तذکرہ है। तذکرہ ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये वैल्यूज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को फला मुकाम पर देखना चाहता है, इसका तذکرہ कम करके माजी का वो कल्चर जो हिंदुत्वा और हिंदुत्वा के नज़रियात को लाने के सिलसिले में कोशिश करने की कोशिश की जा रही है उसी का एक हिस्सा, तो इससे इस बात का अंदेशा है कि ये सफरमाइजेशन की तरफ ले जाएगा, ज़ाफ़रानियत इस मुल्क के अंदर आएगी, इसकी तरफ ये एक प्लान्ड अंदाज में कोशिश महसूस होती है, और ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए काबिल गौर पॉइंट है जिसके ऊपर हमको संजीदगी के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से मोल्ड कर दिया जाए कि उसके नतीजे में एक स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वाला बच्चा शुरू से एक मखसूस ज़हनियत लेकर निकले, मखसूस मिजाज लेकर निकले, और वो आज़ादाना सोच, आज़ादाना फिक्र, वो चीज़ उसकी ख़त्म कर दी जाए, कुछ मखसूस ग्रुप के ख़िलाफ़ नफ़रत उसके दिल के अंदर बिठाई जाए, मुल्क की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ख़त्म करके एक मखसूस ग्रुप के बारे में उसके दिल में नरम गोशा परवान चढ़ाया जाए, इस किस्म की जो कोशिश है वो पसंदीदा कोशिश बहरहाल कभी भी नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ इस सिस्टम में बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर्स एक्वायर करने की कोशिश करेगी, ये हमारे लिए बहरहाल अच्छी चीज़ नहीं है। इस मुल्क का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बाकी रहना चाहिए, स्टेट्स की अहमियत भी अपनी जगह बाकी रहनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो रोल अदा करना है वो अदा करना चाहिए, वरना भी इस बात का अंदेशा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर सारे के सारे जो अलग अलग किस्म के एजुकेशन के इदारे हैं उन इदारों को भी एक जगह लाने की बात कही जा रही है, गोया मुस्तकबिल के अंदर UGC और AICTE और दीगर मेडिकल फील्ड के इदारे ये सारे के सारे एक जगह हो जाएंगे और पूरे के पूरे पावर्स को सेंट्रलाइज और कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाएगा, ये चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है और पसंदीदा नहीं है। फिर एक बात ये कही गई है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के स्कूल से गवर्नमेंट इस्तेफादा करेगी, इसके नतीजे में फिर इस बात का इम्कान है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस का एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वो प्राइवेट स्कूल्स के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने लगेगी, यहाँ पर भी इस बात का अंदेशा महसूस होता है इस पॉइंट को देखते हुए। NCC को स्कूल लेवल पर लाने की बात कही गई है, ये अच्छी चीज़ है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि
जितने माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी इसको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एनसीसी अगर स्कूल लेवल पर आएगा तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर ये पॉलिसी जहाँ पर ये बात का दावा किया गया कि ये लिबर्टी की तरफ ले जाएगी, इक्वालिटी का ख्याल रखेगी, प्लूरल सोसाइटी की ज़रूरियात को पूरा करने का ख्याल रखेगी, वहीं पर इस पॉलिसी के अंदर माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को अमलन तकरीबन इग्नोर कर दिया गया। संस्कृत जबान को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की गई है और संस्कृत की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश की गई है। फिर इसके साथ साथ एक मुतालबा काफ़ी अरसे से था, वो ये कि IIT और IIM जैसे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर रिजर्वेशन को लाया जाए, लेकिन इस डिमांड को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है और इसकी तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं है। तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए थी कि जो मेयारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी हमारी सोसाइटी के जो पसमानदा तबकात हैं उन लोगों को कोई ना कोई अहमियत दी जाती और उनके लिए कोई रिजर्वेशन वहाँ पर लाया जाता, तो उसके नतीजे में उस पसमानदा तबके की कुछ ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता। साथ ही इस पॉलिसी के अंदर दस्तूरी फराइज़ का तो तस्करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तस्करा तो ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो तस्करा होना चाहिए, दस्तूरी हुकूक का जो तस्करा होना चाहिए, वो तस्करा नहीं किया गया है। फिर मजीद ये कि ये बात बतलाई गई है कि 6th स्टैंडर्ड ही से प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि एक बच्चा जब 6th स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करेगा तो कुछ अरसे के बाद वो ये सोचेगा कि मैं अब जॉब करने की पोजीशन में हूँ, और उसके नतीजे में वो कम उम्र में जॉब की तरफ जाएगा। बच्चा मजदूरी को इसके नतीजे में बढ़ावा मिलेगा और अपनी एजुकेशन को आगे तक ले जाने की जो ख्वाहिश फितरी तौर पर बच्चे के अंदर होती है वो ख्वाहिश उसको बिलजबर उसको रोकना पड़ेगा, और बसा अवकात फैमिली की जो ज़रूरियात और दीगर तकाजे होते हैं उन तकाजों को सामने रखते हुए एजुकेशन को वो नज़रअंदाज करके फौरन जॉब हासिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंदर ये बात बतलाई गई है कि RTE के मुताबिक जो फ्री कुतुब मिला करती थी, फ्री बुक्स मिला करती थी, अब उस सिलसिले में ये बात बतलाई गई है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो ले ली जाएगी। गोया ये किताबें फ्री आइंदा नहीं मिल पाएंगी। जब ये पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता लागू होगी तो किताबें फ्री मिलने के बजाय यहाँ पर उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम पर कीमत वसूल की जाएगी। एक बात बतलाई गई है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने अफराद हैं उन सब का एहतसाब होगा और उनका जायज़ा लिया जाएगा उनकी कारकर्दगी की रोशनी में। ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको वेलकम करते हैं। यकीनन एजुकेशन से रिलेटेड सारे अफराद और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अगर एहतसाब होगा तो उसके नतीजे में उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनके अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। साथ ही एक बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स को इतना बढ़ाया जाएगा कि वो पसंदीदा स्कूल बन जाएं। अगर ऐसा होगा तो यकीनन इसके नतीजे में हमारी सोसाइटी की एक बड़ी ज़रूरत पूरी होगी। इसका हम खैर मकदम करते हैं, इसकी तरफ हुकूमत को तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट को हम देखें तो मुल्क के बजट का बमुश्किल 4% से भी कम, less than 4% आमतौर पर एजुकेशन के लिए सर्फ होता है। डिफेंस पर एक अच्छा खासा हिस्सा सर्फ होता है, मुख्तलिफ और चीज़ों पर सर्फ होता है, लेकिन एजुकेशन के बारे में जब भी बात आती है वहाँ पर वो खर्च नहीं होता। इस पॉलिसी ने ये बात बतलाई है कि 6% एक्सपेंसेस एजुकेशन के लिए करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। इसका मुतालबा एक तवील अरसे से तालीम के मैदान के माहरीन करते चले आए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमलावरी नहीं हो सकी है। इस वक्त इस पॉलिसी के अंदर इस बात का तذکرہ किया गया है और अगर यह होगा तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की कई ज़रूरियात पूरी होंगी। इसी तरीके से ये बात बतलाई गई है कि
जो सोशल सर्विस के इदारे होते हैं, खैराती इदारे होते हैं, उनसे फंड रेस्क किया जाएगा। हुकूमत अगर इस किस्म की बात करेगी तो उससे ये बात बहुत वाज़े तौर पर सामने आ रही है, बल्कि हुकूमत का ये एतराफ महसूस हो रहा है कि हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तालीमी इदारों का कर्ज बर्दाश्त कर सके। और उसके नतीजे में हुकूमत ये बात कह रही है कि वो सोशल सर्विस के इंस्टीट्यूशन से, खैराती इदारों से फंड रेज करेगी। हुकूमत अपने बजट को बढ़ाए और तालीम के ऊपर वो खर्च करे, बजाय इस किस्म की सोच को परवान चढ़ाने के लिए। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं महसूस होती कि हुकूमत इस किस्म की बात करे। एक बात अगरचे कि ये कही गई है कि सोशल और इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनकी तालीम को अहमियत दी जाएगी, ज़ाहरी बात है इसके अंदर SC ST भी आएंगे, इसके अंदर माइनॉरिटीज़ भी आएंगे, माइग्रेंट लेबर्स का भी इसके अंदर तذکرہ किया गया है। अगर इसके ऊपर तवज्जो वाकई दी जाती है तो ये यकीनन खैर मकदम करने के काबिल चीज़ है। ई किट बनाने की बात कही गई है और ये बात बतलाई गई कि तमाम रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ई किट या ई मटेरियल फराहम किया जाएगा। ई मटेरियल फराहम करना एक अच्छी चीज़ है और फिर सारी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर फराहम करने की बात ड्राफ्ट के अंदर तो है पॉलिसी के, लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें बात बतलाई गई कि सिर्फ 8 लैंग्वेजेस के अंदर ये ई मटेरियल या ई किट फराहम की जाएगी, और जिन 8 जबानों का तस्करा है उसके अंदर उर्दू का तस्करा नहीं है। उससे इस बात का अंदेशा पैदा होता है कि उर्दू को नज़रअंदाज करने की एक पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। और संस्कृत ज़बान के बारे में तो मैंने आपको के सामने बात कही कि हर लेवल पर उसको प्रमोट करने की कोशिश ऐसा महसूस होता है कि इस पॉलिसी के ज़रिए से की जाने वाली है। फिर साथ ही ये बात बतलाई गई कि 100 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान के अंदर एंट्री दी जाएगी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया के अंदर आना ये एक अच्छी चीज़ यकीनन है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आएंगी तो फिर उसके बाद वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर जो ओवरऑल सिलेबस होगा और वहाँ पर जो कुछ भी पे होंगे, सैलरीज होंगी, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों से नेचुरली कंपेयर की जाएंगी। और जब ये कंपेयर की जाएंगी और दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होगा तो फिर उसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंसिंग की एक कैफियत पैदा होगी। हुकूमत को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अगर वो 100 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के अंदर एंट्री देने जा रही है तो फिर इन चीज़ों को वो एड्रेस कर सके और मुस्तकबिल के अंदर पैदा होने वाले किसी भी ख़तरे को वो पहले से भांपे और भांप कर उसकी तरफ मुनासिब तवज्जो दे। तो इस तरीके से नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को अगर हम देखते हैं तो इससे ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर बास चीज़ें अच्छी हैं, वेलकम करने के काबिल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदेशों को बढ़ावा देती हैं और ऐसा महसूस होता है कि मुस्तकबिल के अंदर ये तालीम का दरअसल सेफरनाइजेशन होगा और उसके नतीजे में जो जनरेशन तैयार होगी वो नैरो माइंडेड किस्म की जनरेशन तैयार होगी और वो मखसूस किस्म की सोच और मखसूस किस्म की आइडियोलॉजी के साथ परवान चढ़ेगी। वो काम जो अब तक इस मुल्क के भगवाकरण की तमन्ना रखने वालों के स्कूलों में हुआ करता था वो काम अब गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर होगा, इस बात का अंदेशा है। और फिर उसके नतीजे में प्लूरल सोसाइटी की जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। यहाँ की माइनॉरिटीज़ और यहाँ के दीगर जो पसमानदा तबकात हैं उनके जो राइट्स हैं वो राइट्स से उनको महरूम किया जाएगा। बाज़ जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं उन चीज़ों को अगर नाफिस किया जाएगा ऑनेस्टली तो उसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि बाज़ चीज़ें यहाँ पर तरक्की पाएंगी और ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। इस पॉलिसी की बाज़ चीज़ों के ऊपर नज़र सानी की ज़रूरत है। और ये जो सिस्टम की बात आई है 5+3+3+4, इसका कुछ तस्करा तो आपके सामने आ गया है कि 5 से मुराद
ये लोग नर्सरी PP1 PP2 और ग्रेड वन और ग्रेड टू, या नर्सरी LKG UKG और ग्रेड वन और ग्रेड टू की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 3 से मुराद ये ग्रेड 3 to 5 की प्राइमरी एजुकेशन है, और फिर उसके बाद 6 से 8 तक की मिडिल स्कूल की एजुकेशन है, और फिर 9 से 12 तक ये एजुकेशन होगी जो हाई स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का एक कॉम्बिनेशन होगा। पॉलिसी के अंदर ये बात तो बतलाई गई है कि 10th और 12th दोनों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अगरचे कि ये बात सुनने में आ रही थी कि गालिबन 10th का बोर्ड एग्ज़ाम निकाल दिया जाएगा, आगे MPhil के निकालने की बात भी कही गई है। ठीक है, उसके निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। साइंसेस के अंदर पहले से भी MPhil नहीं था, डायरेक्ट PG के बाद रिसर्च करने की आज़ादी थी। यूनिवर्सिटियों के अंदर कुछ असलाहत अगर हुकूमत चाहती है तो वहाँ पर भी पावर्स को रिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वाइस चांसलर्स के जो पावर्स हैं उनको कम किया जाना चाहिए, कुछ ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटियों को भी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पर दीगर जो जिम्मेदार हैं, दीगर जो पोस्ट पर लोग हैं उनको भी वहाँ पर इख्तियार मिलने चाहिए। तो ये मैंने इस मौके पर कुछ बातें इस मौके पर आपके सामने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के सामने सिलसिले में रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उससे हमारे मुल्क को और इस मुल्क के मुसलमानों को मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फरमाएं, और जो बातें इसके अंदर नुकसानदह हैं या खतरात हैं जिससे अंदेशे हो रहे हैं उनसे मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाएं, दीगर माइनॉरिटीज़ की भी हिफाजत फरमाएं। शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैर। मोहतरम रशादुद्दीन साहब, नाज़िम शहर जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने NEP 2020 से मुतालिक क़दर तफसील से इस पर रोशनी डाली। एंड ही हैज़ आल्सो एलिमिनेटेड ऑन द प्रोस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स, विच हैज़ पेव्ड वे टू पॉन्डर देम एंड टेक आउट सम सॉल्यूशंस।